में आए या ना आए, इसकी स्किल्स दूसरे क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट जरूर करती हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच इम्तिहानों में पूछने के चार तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस, पीएमएस में आज भी आपको सेंटेंसेस की सूरत में पूछे जा रहे हैं, और पीएमएस में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हेयरएज इन सीएसएस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ओनली 5 मार्क्स। द अदर वन इज द डायलॉग क्वेश्चन। आपको सीएसएस के इम्तिहान में 2015, 16 और 18 में डायलॉग्स दिए गए, और डायलॉग्स के साथ जो इंस्ट्रक्शन है, कन्वर्ट दीज डायलॉग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। सो जब पैराग्राफ में लिखेंगे तो जाहिर है पैराग्राफ के रूल्स भी जो है अप्लाई होंगे। सिर्फ यही दो तरीके नहीं है, इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, दैट इज अ पैराग्राफ गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जामिनर ने यह कोई कसम तो नहीं खाई कि उसने आपको हमेशा डायरेक्ट स्पीच में ही देना है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको दे सकता है जिसको आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। बी वेरी केयरफुल डियर स्टूडेंट्स, सिंगल सेंटेंसेस में तो आज तक ये हो रहा था कि इनडायरेक्ट स्पीच दी जाती है जिसको आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, मगर आपको एक पूरे का पूरा पैराग्राफ भी इनडायरेक्ट स्पीच में दे सकता है और साथ आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपने इसको डायरेक्ट स्पीच इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग कन्वर्ट करना है। एंड रिमेंबर, जब डायरेक्ट स्पीच में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश के रूल्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, फिर उसके बाद रिटन इंग्लिश के रूल्स उस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि स्पोकन डिस्कोर्स में जाहिर है उसकी एक अपनी ग्रामर होती है। और जो आखिरी तरीका है, विच इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट, इट इज द न्यूज़पेपर हेडिंग। न्यूज़पेपर हेडिंग अगर मेरी नजर से गुजरा है तो ऑब्वियसली एग्जामिनर की नजर से भी गुजरा है। न्यूज़पेपर की कभी आप हेडिंग्स देखें, न्यूज़पेपर की जो भी हेडिंग होती है, चाहे इवेंट पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या न्यूज फ्यूचर की हो, न्यूज़पेपर में हमेशा जो टेंस है वो प्रेजेंट ही यूज होता है। तो वहां पे आप बेटर टू स्टेज प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप उसका ओरिजिनल टेंस कंसिडर करते हैं, उसके बाद उस ओरिजिनल टेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक जुमला लिखिए, दैट इज न्यू टैक्स कट्स टू बी पास्ड सून। न्यू टैक्स कट्स टू बी पास्ड सून। मुझे बताएं जो एक्चुअल टैक्स है वो कौन सा है? नए टैक्स जो है बहुत जल्द, न्यू टैक्स कट्स बहुत जल्द पास किए जाएंगे। फ्यूचर सबसे पहले इसका करेक्ट टेंस जो है उसे फिक्स करें। न्यू टैक्स कट्स विल बी, हेडलाइंस में मजबूरी है कि उसने हेडलाइंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही देनी है, चाहे इवेंट पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। सो इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपको दी जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट द टेंस। सबसे पहले आप जो ओरिजिनल टेंस है उसे देखें। अब आपने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है, विच इज, प्लीज राइट डाउन, द हेडलाइन स्टेटेड दैट न्यू टैक्स कट्स विल, किसमें चेंज होगा? वुड बी पास्ड सून, क्योंकि ये खबर बेटा कल की है, अखबार में खबर एक दिन बाद की आती है, तो कल ये कहा गया था कि न्यू टैक्स कट्स वो बहुत जल्द पास किए जाएंगे। सो ये चौथा और आखिरी तरीका है जिसके जरिए एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल पूछ सकता है। सो पहले जो दो तरीके हैं, सेंटेंस बेस्ड और डायलॉग बेस्ड, उस पर ऑलरेडी वो आपसे पूछ चुका है, मगर उसने आपको इनडायरेक्ट स्पीच में पैराग्राफ कभी नहीं दिया था, सो डायरेक्ट में कन्वर्ट करें, ना ही उसने अभी तक न्यूज़पेपर हेडलाइंस दी हैं, मगर ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ एग्जामिनर वाकई आपको दे भी दे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे क्वेश्चंस की वेरिएशन यही है, इनके अलावा कोई पांचवा तरीका नहीं है जिससे पूछा जा सके। अगर वो कहीं पे मिल गया तो फिर हम उसको भी कंसिडर करेंगे, मगर बहरहाल किसी और किताब में मेंशन नहीं किया गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डियर स्टूडेंट्स वही सेम स्टीरियोटाइप रूल्स हैं, मगर थोड़ी सी चेंजेस आपने करनी है, क्योंकि डायलॉग में रूल्स थोड़े बेंड होते हैं। ये तीन वर्ड्स लिख लें जिनकी वजह से आपके रूल्स बेंड हो रहे हैं। दीज थ्री वर्ड्स आर कॉन्टेक्स्ट, सुपरसीड्स, ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट, सुपरसीड, ग्रामर। क्या वजह है कि एफपीएससी ने अपनी बुक लिस्ट में आपको रेनन मार्टिन जो है वो सजेस्ट नहीं की, उसने रेमंड मर्फी की इंग्लिश ग्रामर न्यूज या माइकल स्वान की किताब क्यों सजेस्ट की है? क्योंकि जब आप डायलॉग्स की इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उस पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा जो है हावी हो जाता है आपकी ग्रामर पे। सो कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करके आप हमेशा जो है ग्रामर और टेंस का इंतखाब करते हैं।
सो यहाँ पे सिंगल सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल जो पुराने रूल्स हैं रैंड मॉडर्न के, जिसको आप प्रेस्क्रिप्टिव इंग्लिश कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जो डायलॉग्स है उन पे कैसे मॉडर्न इंग्लिश काम कर रही है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, रैंड मॉडर्न को नहीं बल्कि रेमंड मर्फी की जो किताब है उसकी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। सो दोनों रूल्स मकसद उनका एक ही है कि अगले शख्स तक अपनी बात को पहुंचाना है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच की एक सादा सी मिसाल दें, आप हमेशा डियर स्टूडेंट्स कभी भी ऑथर के एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी नहीं कर सकते। एक सादा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, फर्ज करें जनाब के ये शख्स है, इनसे मैंने उधार लिया हुआ है और मगरिब के वक्त जनाब ये मेरे घर पे आ जाते हैं उधार वापस लेने के लिए। इनको पता है जनाब टाइम टेबल में देख लिया सर अली की आज क्लास नहीं है। अब मगरिब के वक्त जनाब ये अली इन्होंने घर की बैल बजाई है, मेरा छोटा बेटा उसने दरवाजा खोला है और इन्होंने पूछा है बेटा अबू घर पे हैं, तो वो कहेंगे ठहरे जी मैं देख के आता हूँ। वो जाएगा जो पीछे कहीं कमरे में मैं बैठा हूँगा, उसे जाके कहेगा अबू आपसे जो है ना कोई शख्स मिलने आया है। मैं कहूँगा यार देखने में कैसा, दाढ़ी तो नहीं है? उनके हाँ जी दाढ़ी है। मैं कहूँ ऊंचा लंबा तो नहीं है? उनके हाँ ऊंचा लंबा है। मैं समझ जाऊँगा यार मेरा उधारी आ गया जिसका मैं डिफॉल्टर हूँ। मैं अपने बेटे को कहूंगा कि बेटा जाओ उसे जाके कह दो पापा घर पे नहीं। अब मेरे बेटे के पास दो चॉइसेस हैं, सीधा जाके इसको के पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, या वो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कहे कि वो घर पे नहीं है। तो वो बेटा मेरा ही है, वो पहले जुमला बोलेगा पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, पापा घर पे नहीं है। सो हर जगह पे हम बेटा डायरेक्ट स्पीच जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बात अगले तक कन्वे करनी होती है।